नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन पीडीएफ और आउटलाइन, इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों हमने मंथली पत्रिका जो है अपलोड कर दिया है, जिसमें बहुत सारा कमेंट आया कि इसका ऑडियो भी अपलोड कर दिया जाए, तो उसी पत्रिका का आज हम डिक्टेशन बोलेंगे। तो आप लोग उसका ऑडियो भी चाहें तो रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसमें जितने एक्सरसाइज हैं सबको हम डिक्टेट कर दें, ताकि आपको लिखने में भी और आसानी हो जाए। अगर उसका पीडीएफ दोस्तों आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 3 सेकेंड, स्टार्ट। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर एक बार फिर बुद्धिजीवियों से लेकर राजनीतिक दलों ने सियासत शुरू कर दी है। हिंदी दिवस पर जब केंद्रीय गृह मंत्री ने हिंदी को लेकर जो बातें कहीं, उसे लेकर इतना हो हल्ला करने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। सियासी दलों ने खासकर दक्षिण के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। यह तो समझ में आया, बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, मातृभाषा की कीमत पर नहीं। यह बात भी समझ में आई, परंतु बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े बुद्धिजीवी, जिनकी सियासी पृष्ठभूमि भी है, ऐसे करीब 50 से अधिक लोगों ने राज्य की जनता से सभी भाषाओं को उचित सम्मान देने का आह्वान किया है, और केवल एक भाषा थोपने की कोशिश नहीं करने की सलाह दी है। कभी सुबोध सरकार, कभी स्तंभकार विनायक बंदोपाध्याय, शिक्षाविद उर्मिला बासु और जगन्नाथ बसु तथा स्वतंत्र फिल्मकार समेत कई लोगों ने फेसबुक पर बयान जारी किया और लोगों से उनके जीवन से बांग्ला भाषा को हटाने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करने की अपील की। 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में एक आम भाषा की वकालत की थी और कहा था कि हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है तथा देश को एक सूत्र में बांध सकती है। इसी को लेकर बांग्ला भाषी लोगों ने बयान में आशंका जताई है। निकट भविष्य में एक दिन आएगा जब हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा, हमारी सबसे प्रिय बांग्ला भाषा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ तबकों की ओर से एक भाषा थोपने की धमकी वाली चालों का विरोध होना चाहिए। सरकार ने अलग से एक बयान में कहा, मैं हिंदी भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उतना ही सम्मान मलयाली, मराठी, कोंकणी और देश में बोली जाने वाली अन्य सभी भाषाओं का करता हूँ। परंतु यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री ने ऐसा कहा कि अन्य कोई भाषा नहीं, सिर्फ हिंदी ही चलेगी? ऐसा तो नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मणिपुर, बंगाल, असम समेत कई सूबों में क्षेत्रीय भाषाएं हैं और राज्य सरकार के दफ्तरों में इन्हीं भाषाओं में कार्य होते हैं, हिंदी में नहीं। ऐसे में इसे मुद्दा बनाना उचित नहीं है। हमारा देश बहुलता वाला है, यहाँ हर भाषा व बोली और धर्म जाति को समान रूप से सम्मान मिलता है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सफाई कर्मियों की मौतों पर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी की कि दुनिया में कहीं भी लोगों को बिना सुरक्षा उपकरणों के शिविर की सफाई के लिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि भारत में ऐसा किया जाता है। इसलिए गैस चैम्बर सरीखों शिविरों में उतरकर उनकी सफाई करने वाले कर्मियों की मौत की खबरें रह रह कर आती ही रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट की माने तो हर माह 4-5 सफाई कर्मियों की मौत हो जाती है। ये मौतें गरीब सफाई कर्मियों की अनदेखी का परिणाम है। सभ्य समाज को शर्मसार करने और घोर संवेदनहीनता को प्रकट करने वाली ये मौतें इसीलिए होती हैं क्योंकि शिविरों की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार लोग सफाई कर्मियों की सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग इससे परिचित ना हों कि शिविर साफ करने वाले कर्मियों को किन सुरक्षा उपकरणों से लैस होना चाहिए, लेकिन वे आवश्यक सावधानी बरतने से इनकार करते हैं। इस प्रवृत्ति से स्थानीय निकायों के साथ साथ राज्य सरकारें भी अच्छी तरह अवगत हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे संवेदनशीलता का परिचय देने में आनाकानी क्यों कर रही हैं। जब भी कभी सीवर साफ करने उतरे सफाई कर्मियों की मौत की खबर आती है, तब जांच और कार्रवाई के आदेश तो दे दिए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर वे निष्प्रभावी ही साबित होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि ऐसे मामलों में किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है। कई बार तो यह देखने में आता है कि मृतक सफाई कर्मियों के परिजनों को समय पर मुआवजा भी नहीं मिल पाता। हमारे नीति नियंताओं को यह बुनियादी समझ होनी ही चाहिए कि जोखिम के बावजूद सफाई कर्मियों को शिविरों में उतारना एक तरह से जानबूझकर उनकी जान से खेलना है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सफाई कर्मियों की मौतों पर क्षोभ जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियों में सुधार लाने को कहा, क्योंकि उसकी ओर से केंद्र सरकार को कोई अस्पष्ट आदेश निर्देश नहीं दिए गए। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सफाई कर्मियों की मौतों पर
नहीं बल्कि एससी एसटी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुनवाई कर रहा था। यह आवश्यक है कि शीर्ष अदालत इसकी चिंता करे कि उसने सफाई कर्मियों के हित में जो भी कदम उठाने की ज़रूरत जताई है उसकी पूर्ति हो। इसी के साथ केंद्र सरकार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकारों को सफाई कर्मियों की मौत के मामले में आगाह करें और आवश्यक हो तो वांछित नियम कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। स्टाफ ओके दोस्तों, ये इसमें कुल 425 शब्द इसमें हैं और ऊपर वाले में 404 शब्द थे, ठीक है। तो यहाँ पे 829 शब्द हैं और ये टोटल डिक्टेशन चला आपका 10 मिनट 20 सेकंड का। तो यहाँ पे देखिए 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका आउटलाइन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस बुक को आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मंथली पत्रिका है जिसको हमने अपलोड कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे इसको। इसमें टोटल 30 एक्सरसाइज हैं और साथ में इसके लास्ट में आउटलाइन भी दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ये बुक से प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में देखिए आउटलाइन भी, सभी एक्सरसाइज के जो कठिन वर्ड हैं उसके आउटलाइन भी हमने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चाहे आप एसएससी की स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए लाभकारी होगा। और जो पुराने हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो नए कैंडिडेट आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।